हाँ जी, देखिए पिछला सवाल करने के बाद आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ये तो हो जाना चाहिए, क्यों? अब इसमें मॉडिफिकेशन क्या है यह भी सोचना है। सबसे पहला द मॉडिफिकेशन हियर डन इज, इस बार S1 और S2 के बीच में जो सेपरेशन रखा है 5 लैम्डा, ये बहुत ही छोटा सेपरेशन है। दिस सेपरेशन इज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। इस सेपरेशन के वेवलेंथ ऑफ लाइट के कंपेरेबल हो जाने से ये एक मॉडिफिकेशन, मॉडिफाइड फॉर्म बन गया। जनरली हमने देखा है वेवलेंथ नैनोमीटर्स में या आर्मस्ट्रांग में होती है, इट्स इन फ्यू 100 नैनोमीटर्स और फ्यू 1000 आर्मस्ट्रांग। और ये जो डी होता है इट्स इन मिलीमीटर्स, 0.1 मिलीमीटर से 5 मिलीमीटर्स तक। तो जनरली स्टैंडर्ड सेटअप में डी की वैल्यू वेवलेंथ के मुकाबले बहुत ज्यादा बड़ी होती है। एज कंपेयर टू वेवलेंथ दिस डी इज वेरी लार्ज, एंड एज कंपेयर टू दिस डी, दिस कैपिटल डी इज वेरी लार्ज। मगर इस केस में दिस स्मॉल डी इज कंपेरेबल टू वेवलेंथ, जो इसको मॉडिफाइड बना देता है। अब इसमें कंसेप्ट क्या लगेगा भाई, पॉइंट ओ पर सेंट्रल ब्राइट बनेगा निश्चित, क्योंकि इधर पार्ट डिफरेंस जीरो है। थोड़ा ऊपर जाएंगे तो फर्स्ट ब्राइट, जहां पार्ट डिफरेंस लैम्डा होगा। थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो सेकेंड ब्राइट, जहां पार्ट डिफरेंस 2 लैम्डा होगा। थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो थर्ड ब्राइट, जहां पार्ट डिफरेंस 3 लैम्डा होगा। थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो फोर्थ ब्राइट, जहां पार्ट डिफरेंस 4 लैम्डा होगा। इधर पाथ डिफरेंस लैम्डा, इधर पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा, इधर पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा, इधर पाथ डिफरेंस 4 लैम्डा। और इसके बाद फिफ्थ ब्राइट बनेगा, जहां पाथ डिफरेंस होगा 5 लैम्डा। मगर वो पाथ डिफरेंस 5 लैम्डा कहां होगा? इट वुड बी एट इनफाइनाइट डिस्टेंस ऑन द स्क्रीन। इस स्क्रीन पर जब आप इंफिनिटी पर चले जाओगे ना, वहां पर जाकर पाथ डिफरेंस 5 लैम्डा होगा। हम कहते हैं यदि दोनों स्लिट के बीच में दूरी ही 5 लैम्डा हो तो इस स्क्रीन पर पाथ डिफरेंस 5 लैम्डा से एक्सीड तो कभी कर ही नहीं सकता। 5 लैम्डा का पाथ डिफरेंस इंफिनिटी पर दिखेगा। आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए, आप y ले लीजिए और फिर पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस d/2 स्क्वायर माइनस y माइनस d/2 होल स्क्वायर। y प्लस d/2 होल y स्क्वायर प्लस d/2 होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ दिस, और y माइनस d/2 y स्क्वायर अंडर रूट ऑफ दिस। और इसे जब आप 5 लैम्डा से इक्वेट करेंगे, एंड इफ यू सॉल्व फॉर y यू विल गेट इनफाइनाइट वैल्यू। या फिर आप चाहे तो ऐसे कर लीजिए कि इसे एंगल थीटा रख लीजिए और इधर से एक नॉर्मल ड्रॉप कर दीजिए और फिर इसे पाथ डिफरेंस कह दीजिए। और अब लिख दीजिए पाथ डिफरेंस अपॉन 5 लैम्डा इक्वल टू कॉस थीटा। पाथ डिफरेंस हो गया बेस, 5 लैम्डा हो गया हाइपोटेन्यूज। पाथ डिफरेंस अपॉन 5 लैम्डा इक्वल टू कॉस थीटा। व्हेन पाथ डिफरेंस इज 5 लैम्डा, कॉस थीटा इज 1, थीटा इज 0। इसका मतलब 5 लैम्डा का पाथ डिफरेंस थीटा इक्वल टू 0 पर आएगा, मतलब कि वो पॉइंट इंफिनिटी पर होएगा। इस केस में 5 ब्राइट तो ऊपर बनेंगे और 5 ब्राइट नीचे बनेंगे और एक सेंट्रल ब्राइट बनेगा, कुल मिला के 11 ब्राइट बनेंगे।
द नंबर ऑफ ब्राइड फॉर्म ऑन द स्क्रीन वुड बी 11. पांच ब्राइड ऊपर, फर्स्ट ब्राइड, सेकंड ब्राइड, थर्ड ब्राइड, फोर्थ ब्राइड और फिफ्थ ब्राइड, और पांच ब्राइड नीचे और एक सेंट्रल ब्राइड, कुल मिला के 11 ब्राइड बनेंगे. जबकि कितने ब्राइड दिखेंगे भाई, ऊपर का इंफिनिटी वाला कोई दिखेगा थोड़ी ना, नीचे का इंफिनिटी वाला कोई दिखेगा थोड़ी ना, तो दिखेंगे कितने? 9 ब्राइट फ्रिंज वहां पर दिखाई देंगे, 9 ब्राइट फ्रिंज वहां पर दिखाई देंगे. हमको ये सारी चीजें सिर्फ सोचकर जवाब देनी होती है. सोचने का तरीका वो जरूर समझ लो. मैं एक और सेटअप बताता हूं. बड़े ध्यान से इस कंसेप्ट को समझो. ये कंसेप्ट तो सॉल्व करना बड़ा टफ जाएगा. ये कंसेप्ट आपको कई जगह पर काम आएगा, प्रॉब्लम्स करते समय लगाओगे कि आपने S1 से एक वेव ली और S2 से एक वेव ली, ये दूर कहीं स्क्रीन पर जाकर मिल रही है. इन दोनों में पार्ट डिफरेंस हमें निकालना है. तो इन दोनों में पार्ट डिफरेंस निकालने का क्या तरीका है कि S1 से इस पर एक नॉर्मल ड्रॉप कर दो, फिर कहो कि इसके बाद ये दोनों एक साथ साथ चलेंगी, और इसके बाद जब दोनों साथ साथ चलेंगी तो इसके बाद कोई पार्ट डिफरेंस नहीं आएगा. जो ही पार्ट डिफरेंस है वो यहां से यहां तक आया, ये पार्ट डिफरेंस हुआ. और दिस पार्ट डिफरेंस, दिस थीटा पार्ट डिफरेंस अपॉन दिस साई लैम्डा, दिस कॉस थीटा. और दिस इज अ जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन विच इज ऑलवेज एप्लीकेबल. इधर पार्ट डिफरेंस जीरो रखेंगे तो सेंट्रल ब्राइट की कंडीशन आ जाएगी, पार्ट डिफरेंस लंबा रखेंगे तो फर्स्ट ब्राइट की कंडीशन आ जाएगी, पार्ट डिफरेंस 2 लंबा रखेंगे तो सेकंड ब्राइट की कंडीशन आ जाएगी. अब इस केस में एक और खास बात है, मॉडिफिकेशन. फ्रिंज विड्थ डज नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट. इस सिचुएशन में फ्रिंज विड्थ कॉन्स्टेंट नहीं है. सेंट्रल ब्राइट से फर्स्ट ब्राइट की जो भी कुछ दूरी है, मगर फर्स्ट ब्राइट और सेकेंड ब्राइट के बीच में विड्थ बढ़ जाएगी. सेकेंड और थर्ड ब्राइट के बीच की विड्थ और भी बढ़ जाएगी, थर्ड और फोर्थ ब्राइट के बीच की विड्थ और भी बढ़ जाएगी. इस मॉडिफाइड सेटअप में फ्रिंज विड्थ कॉन्स्टेंट नहीं रहेगी. फ्रिंज विड्थ कॉन्स्टेंट क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि फ्रिंज विड्थ कॉन्स्टेंट रखने के लिए आपने देखिए जो डेरिवेशन करा था उसमें y को d के मुकाबले नेग्लिजिबल मान के बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा दिया था. वो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाने की जो कंडीशन थी, दैट इज y इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू d. मगर इस मॉडिफाइड सेटअप में y d के मुकाबले नेग्लिजिबल नहीं होएगा, वो अप्रोक्सीमेशन नहीं लग सकेगा, तो फ्रिंज विड्थ कॉन्स्टेंट नहीं आएगी. इस केस में फ्रिंज विड्थ वुड कीप ऑन इंक्रीजिंग एज वी गो टू द हायर ऑर्डर ब्राइट. हायर ऑर्डर में जाने पर फ्रिंज विड्थ बढ़ती चली जाएगी. अब एक और मॉडिफाइड सेटअप मैं देता हूं, इसे सॉल्व करेंगे. एक सर्कुलर वायर, दिस इज अ सर्कुलर वायर हैविंग रेडियस आर एंड दिस इज डायमीटर. और इस डायमीटर पर वी हैव गॉट, दिस इज द सेंटर, ओ. इस सेंटर पर दो स्लिट्स हैं, के इसके आसपास दो स्लिट्स हैं, स्लिट S1 और अ पॉइंट सोर्स S1 एंड अ पॉइंट सोर्स S2. And they are separated by 3 lambda.
दे आर सेपरेटेड बाय 3 लैम्डा. एस वन और एस टू के बीच में दूरी है 3 लैम्डा की. एस वन एंड एस टू आर इन सेम फेज. एस वन एंड एस टू आर इन सेम फेज. यह कोई पॉइंट पी है, S1 से भी एक वेव पॉइंट P तक पहुंच सकती है, S2 से भी एक वेव पॉइंट P तक पहुंच सकती है, और यह पॉइंट P किसी थीटा एंगल पर है. यह S1 से पॉइंट P तक पहुंचने वाली वेव और यह S2 से पॉइंट P तक पहुंचने वाली दूसरी वेव. द रेडियस ऑफ वायर इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर्ड टू 3 लैम्डा. एस वन एंड एस टू हैविंग वेवलेंथ ऑफ लैम्डा. नाउ दिस इज द सिचुएशन. यह सेटअप है, दिया हुआ. There is a circular wire of radius r. Circular wire of radius r. अब मेरा सवाल बिल्कुल साधारण है. पहला सवाल, total number of bright formed on the wire, total number of dark formed on the wire, and the values of lambda for which we will have bright and the values of lambda for which values of theta for which we will have bright and values of theta for which we will have dark. Pehla, number of bright formed on the wire par kitne bright ban jayenge. नंबर ऑफ डार्क फॉर्म्ड ऑन द वायर. द थर्ड इज वैल्यूज ऑफ थीटा फॉर विच वी हैव ए bright at P, B dark at P. This is my problem. इसी समय बड़े ध्यान से इस सिचुएशन को से देखिए, इस मॉडिफिकेशन को सोचिए और फिर इसे सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए कि इन सारे सवालों के आप क्या जवाब लिखोगे. Now, let's start discussing this problem as well. देखिए, problem को देखकर घबराने की आवश्यकता नहीं है. अधिकतर problem जब आप solve करने जाओगे तो सिर्फ पहले appearance में पढ़ते समय ही वो difficult लगेंगे. एक बार यदि confidence develop हो जाए, solve करना चालू कर दें,
तो ये सारी सिचुएशंस आपको बड़ी आसान लगने लगेगी। इधर तो मैं बिल्कुल लॉजिक से ही आंसर दूंगा, नंबर ऑफ राइट के लिए, इनके लिए कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। हम कहेंगे पॉइंट ओ के बिल्कुल एस वन एस टू के बिल्कुल नॉर्मली, इधर कोई पॉइंट जब जो हम देखेंगे तो एस वन से ट्रेवल करने वाली वेव और एस टू से ट्रेवल करने वाली वेव के लिए यह पॉइंट बिल्कुल सिमेट्रिकल है, और यदि यह पॉइंट बिल्कुल सिमेट्रिकल है तो इस पॉइंट पर पाथ डिफरेंस जीरो होना चाहिए, और यदि इस पॉइंट पर पाथ डिफरेंस जीरो हुआ तो इस जगह पर एक ब्राइट अवश्य दिखेगा, एंड दिस ब्राइट कोरस्पॉन्ड फॉर पाथ डिफरेंस इक्वल टू जीरो। अब S1, S2 के एक्चुअली इधर इस पॉइंट को सोचिए, S2 इधर तक पहुंचेगी, S1 से एक वेव इधर तक पहुंचेगी और दोनों में पाथ डिफरेंस निश्चित 3 लैम्डा होगा, और इस जगह पर जहां पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा है इस जगह पर डेफिनेटली एक ब्राइट मिलेगा। पाथ डिफरेंस जीरो के लिए इधर एक ब्राइट होगा और पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा के लिए इधर एक ब्राइट होगा। अब जरा आप सोचिए, वायर पर जैसे जैसे हम इधर से इधर आ रहे हैं पाथ डिफरेंस जीरो से बढ़ते हुए 3 लैम्डा हो रहा, मतलब कोई पॉइंट बीच में ऐसा अवश्य होगा जहां पाथ डिफरेंस लैम्डा होगा, जीरो के बाद लैम्डा, लैम्डा के बाद कोई पॉइंट ऐसा भी आएगा जहां पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा होगा, इधर जीरो, इधर फिर लैम्डा, फिर 2 लैम्डा, फिर 3 लैम्डा, इस तरह से ब्राइट फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में यह ब्राइट देखने के बाद अब हम प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री लगा देते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री के अनुसार इधर एक ब्राइट है तो इधर भी एक ब्राइट जरूर बनना चाहिए, इधर तो इधर भी एक ब्राइट जरूर बनना चाहिए, इधर ब्राइट है तो इसके डायमेट्रिकली अपोजिट, इसके डायमेट्रिकली अपोजिट ब्राइट बनेगा। इसके डायमेट्रिकली अपोजिट ब्राइट इधर बनेगा, इसके डायमेट्रिकली अपोजिट ब्राइट इधर बनेगा, इसके डायमेट्रिकली अपोजिट ब्राइट इधर बनेगा, इसके डायमेट्रिकली अपोजिट ब्राइट इधर बनेगा। इस तरह से कुल मिला के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ब्राइट वायर पर अवश्य बनेंगे, और हर एक ब्राइट के बीच में डार्क जरूर होएगा, क्योंकि डार्क ही तो दो ब्राइट को सेपरेट करता है। दो ब्राइट के बीच में डार्क होएगा तभी तो वो दो अलग अलग ब्राइट देखेंगे, अन्यथा वो दोनों ब्राइटनेस सेपरेट कैसे होंगी? ब्राइटनेस को सेपरेट करने के लिए बीच में डार्क होना जरूरी है। इस तरह से कुल मिला के वहां पर 12 ही डार्क फ्रिंजेस भी बनेंगे वायर पर। अब वैल्यूज ऑफ थीटा फॉर विच वेल हैव ब्राइट, अब ये मैं कैलकुलेट करके बताया था, थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में लिखूंगा मैं तो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 5/2, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे बताया था। देखिए निकालने का तरीका जो मैंने बताया, S2 से इस वेव तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए, यह मैंने इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, अब मैं कहता हूं जो मैंने S2 से वो तक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा है तो यहां से यहां तक यह पाथ डिफरेंस कहलाएगा, इंटरफियरिंग वेव में यह पाथ डिफरेंस है। एक वेव जो S1 से वो चल रही है, S2 से वो चल रही है, इससे आगे कोई पाथ डिफरेंस नहीं आ रहा है, जो भी कुछ पाथ डिफरेंस है वो यहां से यहां तक आ रहा है, यह पाथ डिफरेंस है। अब इस पाथ डिफरेंस और थीटा को मैं रिलेट कर सकता हूं, क्योंकि 3 लैम्डा आर के नेग्लिजिबल है, इसलिए इस एंगल को भी थीटा कहा जाए कोई परेशानी नहीं है।
क्योंकि ये जो थ्री सीटा थ्री लैम्डा है ये आर के मुकाबले नेग्लिजिबल है। अब मैं कहता हूं दिस पाथ डिफरेंस अपॉन थ्री लैम्डा इज इक्वल टू कॉस थीटा। पाथ डिफरेंस अपॉन थ्री लैम्डा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब पॉइंट पी पर ब्राइट के लिए मैं पाथ डिफरेंस को एन लैम्डा रखूंगा। एन इज इक्वल जीरो रख देता हूं तो पाथ डिफरेंस होएगा जीरो और थीटा की वैल्यू होगी पाई बाय टू। कॉस थीटा की वैल्यू जीरो। कॉस थीटा की वैल्यू जीरो और थीटा की वैल्यू पाई बाय टू विच इज दिस ब्राइट। एन की वैल्यू वन रख देता हूं जहां पार्ट डिफरेंस लैम्डा है। कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी वन बाय थ्री। थीटा इज कॉस इनवर्स वन बाय थ्री। फिर एन की वैल्यू टू रख देता हूं। पाथ डिफरेंस जहां टू लैम्डा होगा कॉस थीटा टू बाय थ्री। थीटा इज कॉस इनवर्स ऑफ टू बाय थ्री। फिर एन की वैल्यू थ्री रख देता हूं। पाथ डिफरेंस इज थ्री लैम्डा कॉस थीटा इज वन। थीटा इज जीरो डिग्रीज। दैट इज दिस। अब फॉर बी केस में डार्क एट पी पाथ डिफरेंस इज टू एन माइनस वन लैम्डा बाय टू। तो इधर एन इक्वल टू जब वन रखेंगे तो पाथ डिफरेंस होएगा लैम्डा बाय टू और थीटा की वैल्यू हो जाएगी कॉस इनवर्स ऑफ वन बाय सिक्स। फॉर एन इज इक्वल टू टू पाथ डिफरेंस इज थ्री लैम्डा बाय टू एंड थीटा इज कॉस इनवर्स ऑफ थ्री बाय सिक्स। एंड फॉर एन इज इक्वल टू थ्री पाथ डिफरेंस इज फाइव लैम्डा बाय टू एंड थीटा इज कॉस इनवर्स ऑफ फाइव बाय सिक्स। This are the values of theta for which we'll have dark on the wire. अब मैं एक सेटअप और बताऊंगा। We call it Fresnel biprism setup. पहले इसे लिख लीजिए फिर मैं अब आपको समझाता हूं Fresnel biprism setup. उस पर काफी सारे problems हैं। My next setup is Fresnel biprism setup. Fresnel biprism setup. इस पर काफी सारे problems में देखने को मिलेंगे। देखिए This is a single prism. यह एक prism है मगर इस एक prism के सामने यदि हम light source इस तरह से रख दें
यदि इस एक प्रिज्म के सामने हम लाइट सोर्स इस तरह से रख दें, इधर एक लाइट सोर्स रख दें, इफ दिस इज अ लाइट सोर्स नाउ फॉर सच अ लाइट सोर्स यह एक प्रिज्म इट वुड बिहेव एज टू डिफरेंट प्रिज्म केप्ट इन अपोजिट सेंस. ऊपर यह एक प्रिज्म ऐसे रखा हुआ दिखेगा और नीचे एक यह प्रिज्म ऐसे रखा हुआ दिखेगा. वाकई में यहां पर एक ही प्रिज्म है, मगर इस प्रिज्म के सामने जहां इधर एक लाइट सोर्स रखा हुआ है तो इस लाइट सोर्स के लिए यह एक ही प्रिज्म दो प्रिज्म के माफिक काम करेंगे. इसीलिए इस तरह के प्रिज्म को हम बाय प्रिज्म कहते हैं. दिस इज टर्म्ड एज बाय प्रिज्म. इस बाय प्रिज्म में यह प्रिज्म एंगल थीटा और इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, प्रिज्म मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू. देखिए होगा क्या. सोर्स एस से इसके सामने हम स्क्रीन इस तरह से रखते हैं, इसके सामने हम स्क्रीन इस तरह से रख देते हैं. अब सोर्स एस से लाइट रे एमिट होती है और सोर्स एस से एमिट होने वाली लाइट रे ऊपर वाले प्रिज्म पर इंसिडेंट होके उससे भी रिफ्रैक्ट होगी और नीचे वाले प्रिज्म पर इंसिडेंट होके उससे भी रिफ्रैक्ट होगी. और हम अच्छी तरह से जानते हैं प्रिज्म के द्वारा डिविएशन होता है एंड दैट डिविएशन, नाउ दिस थीटा इज अ स्मॉल एंगल, दिस थीटा इज अ स्मॉल एंगल फॉर थिन एंगल्ड प्रिज्म deviation is given by a into mu minus 1. मैं वह relevant formula इधर लिखता हूं जो हमने prism पढ़ते समय समझ रखा है. यह thin prism formula है, thin prism formula. हमने लिख रखा है इधर भी डिविएशन होएगा और इस जगह पर हम डिविएशन लिखेंगे थीटा इंटू म्यू माइनस वन. एंगल ऑफ प्रिज्म इज थीटा हियर, इट्स अ स्मॉल एंगल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज म्यू. अब ये डिविएशन कैसे होएगा इस बात को देखें. यह डिविएशन हमेशा टुवर्ड द बेस होता है, लाइट रे टुवर्ड द बेस डिविएट हो जाती है, टुवर्ड द बेस बेंड हो जाती है. इस जगह पर लाइट रे टुवर्ड द बेस ऐसे बेंड हो जाएगी, यह एंगल डल दिखने लगेगा और इस जगह पर यह लाइट रे ऐसे बेंड हो जाएगी, यह एंगल डल दिखने लगेगा. इस तरह से यह लाइट रे दोनों ये भी बेस की तरफ बेंड हो गई, ये भी बेस की तरफ बेंड हो गई. दोनों लाइट रे के बेस की तरफ बेंड हो जाने से देखिए क्या होगा. एस की दो इमेज बनेगी, ऊपर वाले प्रिज्म की वजह से एक इमेज एस वन बनेगी और नीचे वाले प्रिज्म की वजह से दूसरी इमेज एस टू बनेगी. कैसे, ये जो इमर्जेंट रे है इसको हम पीछे की तरफ खींच दें तो इधर एक S की इमेज S1
और नीचे वाले प्रिज्म की वजह से एक एस की इमेज एस टू, इस तरह से ऊपर वाले प्रिज्म से सोर्स एस वन बन जाएगा और नीचे वाले प्रिज्म से सोर्स एस टू बन जाएगा, और यह दोनों डबल सोर्स का काम करने लगेंगे, डबल कोहेरेंट सोर्स का काम करने लगे। हम कहते हैं यह एंगल डेल ही होगा, यह एंगल डेल ही होगा। अब यदि इस सोर्स एस और प्रिज्म के बीच में दूरी ए है स्लेट एस के बीच में दूरी ए है, तो हम यहां एस वन एस टू के बीच की दूरी स्मॉल डी यह लिख सकते हैं। दिस स्मॉल डी वुड बी इक्वल टू टू टाइम्स ए इंटू डेल, और दिस स्मॉल डी वुड बी टू टाइम्स। यह एंगल डेल, दिस लेंथ इज ए फ्रॉम हियर टू हियर, दिस रेडियस, दिस एंगल एंड एस एस वन इज आर्क, एस एस वन इज आर्क, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, दिस इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, दिस इज डेल। आर्क की जगह पर डी बाय टू लिख दो और रेडियस की जगह पर ए लिख दो। आर्क इज डी बाय टू, हाफ ऑफ डी, एंड रेडियस इज ए, तो डी की वैल्यू आ गई ए इंटू डेल होल इंटू टू, दिस इज स्मॉल डी। और यदि प्रिज्म और स्क्रीन की दूरी बी है, प्रिज्म और स्क्रीन के बीच में यदि दूरी बी है, तो कैपिटल डी हो जाता है ए प्लस बी, कैपिटल डी हो गया ए प्लस बी, इस कैपिटल डी। अब हम कहते हैं फ्रिंज वेक्टर्स लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, फ्रिंज वेक्टर्स लैम्डा कैपिटल डी की जगह ए प्लस बी, और टू ए थीटा इंटू म्यू माइनस वन। अब इसी बाय प्रिज्म सेटअप का मेरा आपसे यहां तक तो मैंने बता दिया, समझा दिया, इस पर अब काफी सारे प्रॉब्लम आपको पैकेज में और शीट में देखने को मिलेंगे, आप करना। मेरा इसी समय जो आपको दिमाग लगा के बताना है, जो मुझको अभी जवाब देना है, दैट इज टेल मी द नंबर ऑफ फ्रिंजेस फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन एंड द मैक्स, जो सवाल है वो लिखता हूं, नंबर ऑफ फ्रिंजेस फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। इस केस में स्क्रीन पर कितनी फ्रिंजेस बनेंगी, और व्हेन बी अप्रोचेस इंफिनिटी नंबर ऑफ फ्रिंजेस की मैक्सिमम वैल्यू होगी और वह क्या होगी, व्हाट इज एन मैक्स व्हेन बी अप्रोचेस इंफिनिटी, इफ दिस बी अप्रोचेस इंफिनिटी व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रिंजेस दैट कुड बी फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। यहां तक मैंने बताया,
थोड़ा सा आप सोचिए, फिर इसको मैं समझाता हूं। रेनल बायोफिज्म सेटअप के लिए ये सिचुएशन को बड़े ध्यान से नोट डाउन कीजिए और मेरे इन दो सवालों पर इसी समय विचार कीजिए।